एक सुनो क्या सुबह सुबह टाइम पास तुम्हारा खाना दे दो हाथों में खाना दे दो ये देखो थलवागिरी एक मैं ही हूँ बस अभी रेडी हो जाऊंगा फिर काम पे चला जाऊंगा काम पे नहीं चला जाएगा तुझे कार चलानी होती है ना तू कार चलानी चला जाएगा पता तुझे कार की बात नहीं मैं दो दिन से बस में घूम रहा हूँ और पता तुझे मैं कल वो एसी खराब था इसलिए घूम रहा है कल पता मैं कौन सी सीट में बैठा सबसे लास्ट वाली बस में और पता है जब उसने वो जंपर में मारा ना तो मेरा नीचे का एक बार तो बेस गायब हो गया था इतना ऊपर उठा मैं नहीं ऐसा नहीं है हाँ सोनू विंजो खेल विंजो से पैसे कमा मेरे को भी खिला नहीं फैसले हमारे ऐसा कम चांस होता था कि हम लड़के जाते थे हम लोग वहाँ लड़ते थे हम लोग वहाँ लड़ते थे तो कई बार कम होगा पर अक्सर पर वो इसलिए क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं होना चाह रहे थे तुझे तो आती थी समझ में मुझे नहीं आती थी तुम तो भैया भोले भंडारी थे बिल्कुल सीधे थे बिल्कुल बालक थे नहीं मैं सीधा तो था तभी तेरे चक्कर में फंस गया नहीं मैं फंसता नहीं अरे हाँ यार तो किस किस को लात मारेगी तुमने अच्छा नहीं किया तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ पर हेलो गाइस देखिए ये बैठी हुई है और मैं दाल बना रहा हूँ फ्रिज बंद है ना यार तू बड़ा गोरा सारा सोनू हेलो गुड मॉर्निंग तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाओ मैं पहना दूँ गर्मी शूज तो अभी ये लोग निकल रहे हैं छोले खाने के लिए छोले भटूरे पेट ही भटूरे जैसा करके आना ठीक है ये गर्वित भी जा रहा है ठीक है शाम तक पूरा कोटा करके आना और ये गर्वित के रोज के ड्रामे हैं स्कूल ना जाने के पूरा टाइम रोता है वो एक दिन ऐसा नहीं है वो खुशी से जाता है हेलो तो मैं निकल गई हूँ जिम के लिए और ये लोग निकल गए हैं गर्वित को छोड़ने तो गर्वित को छोड़ने के बाद ये लोग खाएंगे छोले भटूरे तो सीधा वहीं से छोले भटूरे खा के आएंगे तब तक मैं करूँगी जिम और घर में दाल बनी थी लाइफ में आपने देखा होगा कि दाल बनाई थी और तैयारी चल रही थी और अचानक से इन दोनों का प्लान बना कि बाहर खा के आते हैं और इनके मुँह में पानी आ गया तो ये लोग जाएंगे बाहर छोले भटूरे खाने वापस आएंगे तब मुझे फिर फ़ोन कर देंगे तब तक मैं वर्कआउट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत तो फाइनली मैं जिम से आ गई हूँ और ये लोग भी आ गए इनका फोन आया था मैं आ गए तो अभी पूछती हूँ क्या खा के आए हैं ये लोग ठूस ठूस के देखो यार मतलब पेट भर के आ गए पेट हैं क्या खाया ये अपनी बीवी से लगा होगा ना तन्नु से नहीं करूँ बात नहीं करूँ बात अपने घर पे बात पेट देख रही तेरा पेट तेरा जहंद जहंद भरे दोनों के सही क्या खाया तुमने
कितने कितने? कुछ नहीं खाया। अले मेरे सच कहना है ये भोले पति ने कुछ नहीं खाया, शक्ल दिखाओ तो। मैंने सच से दाल नहीं खाया। मैं वही तो, मैं दुनिया ऐसा बोल देना कि मेरे पति ने छोले भटूरे गोल गप्पे नहीं खाए, मैं मान ही नहीं सकती। क्या कितना खा लिया? वन मान ही नहीं सकती। एक पर रुक गया हूँ कोई तो क्या पूरी झूठे। सोनू क्या खाया बताना है? हमने खाया राजमा चावल। तूने भी राजमा चावल? तो पति देव यहाँ कर रहे हैं पूजा, और वो देख रहे हैं आपको नीम करौली बाबा की फोटो। तो नीम करौली बाबा की फोटो हम लोग फ्रेम करवा के लाए, पहले हमारे पास से फोटो था तो फ्रेम होके आ गया। तो ये पूजा कर रहे हैं, ये पूजा करने देते हैं। और ये देखो, ये तो ऐसे सोता लेटा रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। तब तक मैं बनाती हूँ अपने लिए प्रोटीन, और बाकी सारा थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पी रही हूँ प्रोटीन, और इस नवाब जादे को देख लो, ये कैसे बैठा हुआ है इसका। सोनू ऐसा कोई बैठता है क्या? अरे तो सही तो बैठा हुआ है, क्या दिक्कत क्या है मेरे बैठने से? वो लाना, वो लकड़ी वाली चमचा लाना मेरा। अरे साला चला नहीं गया। बाकी है तुरंत सलाम और सलाम भी आ गया यहां पे। साले तो पति है, बात इसे माननी चाहिए। चलो खड़े हो। अरे हो गया, जल्दी खड़ो। अरे जाट हो गया, खड़ो जल्दी जल्दी खड़ो। अच्छे से बैठ बैठ, अच्छे से। नहीं लोहे का सरिया नहीं चाहिए। तमीज से बैठ, तमीज से बैठा कर मेरे घर में, मैं भगा दूंगी मैं यहाँ से। तो बड़े मामा आते रहे थे। बड़े ही तो है और किसे, मैं नहीं बैठी क्या? देख नहीं रहा ऐसे ऐसे करके बैठ रहा है। ले ऐसे करके बैठा सोफे में, तो यहाँ बैठ रहा है। अपने अपने घर पे सोफे पे बैठने को नहीं मिलता, नीचे बैठता है घर में। और यहाँ यहाँ पैर लगा के वैसे बैठा हुआ है। ढाई ढाई साल हो गए ना, ढाई साल से तो बैठने नहीं दिया, नीचे बैठा आता है घर में। तो इसे नीचे खाना खाया नीचे, और गलती से बैठ गया तो आंटी ऐसा लात मारती, नीचे जाके पड़ता है सीधा। बोल रहा है तू? ये स्टैंड जब मेरा था तो इसमें वो ये दूसरे लोगों के कपड़े क्या कर रहे हैं इसमें, पता है? ये मुझे कुछ नहीं पता। ये घर ना मेरा था तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ये पता है कि जब वो स्टैंड मेरा ये है। चादर फाड़, सुनो तू चादर ही फाड़ दी। अरे चादर ही फाड़ दी। अरे सोनू ये फटी हुई है। अरे बात बता, लाल किताब में लिख दो तेरे 350 रुपए। लाल किताब डोंट इन्वॉल्व, लाल किताब के बारे में किसी को नहीं पता है। ये नहीं, ये पैंट तो बता, ये पैंट क्या अंकल, ये कपड़े की बच गई थी क्या? ये तो सरकारी कपड़ा लग रहा है। और किस कौन सा लग रहा है वो भी पता, कौन सा लग रहा है वो भी पता, कौन सा है? तो सर्दी में नहीं पहनते? जब कुछ नहीं पता होगा तो आपको भैवे नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं तुझे कह रहा हूँ, तो फालतू में तू लगा हुआ है भैवे करने में। नहीं सही बता, ये फ्री की मिली थी क्या? तू जा रहा है क्या? अपना काम कर ले जाके। तू एक काम कर देना मेरा, तू घर जा रहा है क्या? तू भी खा रहा है क्या? उसने 10 बार मना कर दी तुझे। अच्छा 10 बार मना कर दी, चिंता कहाँ है मेरा? अरे बना ले, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भूख लगाई। अरे तो लग गई तो क्या करूँ यार, लग गई तो लग गई। मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया पता, तो ये हाफ प्लेट थी वो। कुछ नहीं खाया था सच में यहाँ सामने हमने? अरे तुझे नहीं, यहाँ पे जो मेरे सामने कैमरा लगे इंसान खड़ा देख, पर शिवानी तेरे हाथ वाला स्वाद नहीं था, इसलिए मेरा पेट नहीं भरा। जब जब मेरे हाथ का खा गया इंसान, तो शिवानी उसमें बाहर का स्वाद नहीं था, चटपटा स्वाद नहीं आया था। बात है देख लो, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता यार। सोनू उसने 70 रुपए लिए और 2 प्लेट फुल चावल भी दे दिए, वाह। ऐसी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं गर्वित को लेने, और ये दोनों बताएं कहाँ जा रहे हैं। कचरा फेंक दिया तू तो यही बैठी और ये भी बैठा है। सोनू एक मेरी तरफ से लगा दे, एक लगा दे सोनू, एक एक सोनू एक बोला था ना, 3 की लगाए यार। इसी गर्वित की तरफ से लगा दे, गर्व को भूल जाती है तू।
अच्छा गर्व की तरफ से तो तीन है ना, फिर भी दो ही मैंने। अच्छा तूने अपनी तरफ से भी लगाया क्या? हाँ। तो ठीक है, सॉरी सामू मैं ऐसा डांस देख के ना कोई भी हंसी आएगी भी नहीं, भाग उड़ जाएंगी। दूसरा गाना गा दूंगा, जा बेवफा जा। बस तुम जाओ काम पे जाओ। तो मैं आ गई हूँ गर्वित को लेने के लिए और ये लोग निकल गए हैं अपने अपने बिजनेस पे, बिजनेस के बाद जॉब पर, बिजनेस तो नहीं है यार। तो हाय, ये क्या हो रहा है? ये आई ए ए कहाँ जा रहे हो? चलो मंदिर आ गया बेटा। अरे वाह आ जाओ। अब रास्ते में आते हुए गर्वित को जंपिंग का मिल गया है तो गर्वित यहाँ खेला खेल रहा है और अभी कोई बच्चे नहीं है तो अच्छे से खेल भी रहा है। पिछली बार बड़े बड़े बच्चे मिल गए थे ना तो गर्वित उतर गया था। अरे 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 जोर जोर से करो बेटा जंप, जोर जोर से बीच में जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मत छेड़ो उसे। कैमरा लेके नहीं आना? अच्छा ठीक है, नहीं बना रही हूँ वीडियो, नहीं बना रही हूँ ठीक है, नहीं बना रही हूँ वीडियो ठीक है। अच्छा ऐसे बनाना था क्या वीडियो? अच्छा तो ये बात है। अब खाते हैं, खाओ खाओ। कैसे खाओगे? मम्मा आपको टेस्ट कराई खाना, फिर आप बताना मम्मा ने खाना कैसा बनाया ठीक है। ओके डन, टेस्ट करके बताओ कैसा बनाया। बहुत अच्छा। अच्छा बनाया आपको? अच्छा लगा फिर तो ठीक है, अच्छा लगना चाहिए बस। गर्वित को अच्छा लगना चाहिए ना, पापा जी को अच्छा लगे ना लगे, है ना? पापा जी तो बाहर से छोले भटूरे खा के आ जाते हैं। मैं कम से कम तीन रोटी। कम से कम? और ज्यादा ज्यादा कितनी खा लोगे? बस तीन। ज्यादा ज्यादा कितनी? तीन से ऊपर नहीं, मैं डाइट पे हूँ ना यार। ऐसे मत बोलो, बता लोग ना हंसने लगे हैं। बता तो मैंने ऐसा क्या तोड़ दिया डाइट में ये तो बता दे। मैंने कब खाए छोले भटूरे पता चला? सिकंजी कोई वो थोड़ी ना है, सिकंजी तो जलजीरा। अच्छा वो चने चने वाली जो नमकीन होती है वो फ्राई होती होती है उसमें, तुम्हें पता नहीं है ये? हाँ ये तो पता है। हाँ तो फिर तुम्हारा डाइट, तुम्हारी डाइट ऐसी है ना इसलिए तुम सही नहीं हो रहे हो, फिट नहीं हो रहे हो, पता है? मैं ऑलरेडी फिट हूँ। किसने कहा? एक बार दिखा देना अपनी चर्बी, वो टी शर्ट गीली टी शर्ट में छुपी रहती है तो लोगों को लगता है कि तुम्हारी चर्बी नहीं है, नहीं तो असली चर्बी तुम्हें पता चलेगी चलेगी, फिर मैं दिखाऊंगी चर्बी असली चर्बी। यही तो राज है। ये राज नहीं है, ये छुपा रुस्तम वाली चीजें है ये, समझे बच्चों? पता है नहीं कुछ तो यार, सब्जी बन जाए, सब्जी बन रही हमारी बात भी नहीं आया इसमें ना। तो जी हमारा खाना हो गया है तैयार और ये देखो गर्वित, ये गर्वित, ये मेरा खाना, मेरा खाना दिखता क्यों नहीं है, मेरा खाना ये रहा। तो अभी हम खा रहे हैं खाना और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, खाना बनाने में पसीना पसीना हो गए। चलिए किसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको विराम देती हूँ, विराम देती हूँ, ओके फुल स्टॉप, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और और गर्वित ने बोल दिया सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, बोल दिया।